हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाली हूँ AAI की आई वैकेंसी के बारे में, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोस्तों, यहाँ पर जो है तो AAI का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। यहाँ पर दोस्तों जो है तो ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पर दोस्तों की गई है। सो दोस्तों, ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दोस्तों, पूरे नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से बताऊंगी, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड कितनी सैलरी रखी गई है। सो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं दोस्तों, तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दे। दोस्तों, यहाँ पर देख लेती हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहली पोस्ट आई है ग्रेजुएट मैकेनिक एंड ऑटो मैकेनिक के अंदर, यहाँ पर दोस्तों 3 वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर दोस्तों जो है तो ट्रेनिंग की बात करूँ, 1 ईयर ऑल टोटल वैकेंसीज में पोस्ट में रखी गई है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले कैंडिडेट के लिए, तो यहाँ पर दोस्तों 4 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। ट्रेनिंग टाइम की बात करूँ दोस्तों, 1 ईयर रखी गई है। इसी तरह दोस्तों बात कर लेती हूँ ग्रेजुएट एंड एरोनॉटिकल ऑटोमोबाइल, ग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग एंड ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस। दोस्तों, यहाँ पर जो है तो ग्रेजुएट डिग्री अप्रेंटिस की आप के पास जो है तो होना चाहिए। दोस्तों, सैलरी की बात करूँ, 15,000 पर मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों, इसी तरह आप देख सकते हैं डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए, डिप्लोमा इन ऑटो मैकेनिक, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा इन सिविल। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों जो है तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है तो 12,000 आपको सैलरी रखी गई है। 1 ईयर से आपकी यहाँ पर दोस्तों जो है तो ट्रेनिंग रहने वाली है। सो दोस्तों, आपको अगर 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए तो आप बिल्कुल फॉर्म को अप्लाई कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों मोड ऑफ सिलेक्शन की, यहाँ पर दोस्तों जो है तो सिलेक्शन किया जाएगा आपके मेरिट बेसिस के हिसाब से, दोस्तों आपके मार्कशीट के परसेंटेज के हिसाब से। इसके बाद फाइनेंस सिलेक्शन होगा, इंटरव्यू यहाँ पर दोस्तों आपसे जो है तो लिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात कर लेती हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। आप देख सकते हैं डिग्री इन डिप्लोमा वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक ज़रूरी बात लिखी गई है, आफ्टर 2018, यानी कि 2018 के पहले वाले कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। 2018 ओनली आर एलिजिबल। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करो दोस्तों, तो मैक्सिमम 26 ईयर्स एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों अगर लास्ट डेट की बात करूँ तो 25/3/2021 तक आप जो है तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो दोस्तों, इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सारी डिस्कस कर ली है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, इसी तरह बने रहिए आप हमारे साथ आखिरी तक। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।